आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान सेक्शन ई है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ओके। तो देखो आप लोगों की मैं भी अगर सेक्शन ए आया हो या बी आया हो या सी आया हो या डी या ई या एफ, ठीक है, कोई भी सेक्शन आया हो, अब ये मत समझना कि हमारे में सी आया था तो अगली बार सी ही आएगा, मतलब ये तो माइंड में रखना ही नहीं। मतलब फिर मतलब ही क्या रहेगा कि अगर सी सेक्शन आया तो दोबारा भी सी आएगा? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर ऐसा होता तो जो सरकार है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो इतनी मेहनत क्यों करती कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग? फिर तो आपको पता चल गया हमारा सी वो है या ई है, तो हम तो ई पढ़ें या एफ एफ पढ़ें, फिर मतलब ही क्या है उनकी इतनी मेहनत करने का, है ना। और देखो अभी ये वाला पेपर वायरल हुआ है, मतलब कि फ्रंट पेज बस वायरल हुआ है, तो हालांकि पेपर तो आ ही गया होगा, जब फ्रंट पेज आया है तो किसी ना किसी के पास तो पेपर आ गया होगा। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो एक से दो दिन में पूरा पेपर करके सॉल्व कर दूँ, लेकिन अभी आप लोग यूट्यूब पर खोजा खानी मत करने लगना कि चलो अभी इसे देखने लगते हैं कि यूट्यूब पर रियल पेपर फिजिक्स रियल। आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर, जाओगे फिजिक्स रियल पेपर कक्षा 11वीं, है ना, तो अभी मत करना, ठीक है। 20 तारीख से करना स्टार्ट होगा, तो चलो माना 20 तारीख से कर सकते हो, 20 तारीख से आने लगेंगे, ओके। लेकिन यार अभी से क्यों कर रहे हो? अभी तो देखो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी वीडियो बस देखा करो और अपनी परीक्षा अध्ययन से पढ़ो। प्रश्न बैंक से तो वो भी मत पढ़ो, मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ प्रश्न बैंक से पढ़ो, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना प्रश्न बैंक के साथ, मतलब उनने उसी से पढ़ा था, कह रहे थे सर हमने तो उसी से पढ़ा, लेकिन मतलब पूरा पेपर उनका इंग्लिश का बहुत ख़राब गया, मतलब जिसका सेक्शन एफ आया है उसी का बस अच्छा गया, बाकी तो सभी का मतलब ख़राब गया। और सेक्शन ई तो सबसे मुश्किल आया था, जो कि काफ़ी कम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा, लेकिन पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो तो मतलब अलग ही था, ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट ही लेवल कठिन था। अब आप लोग अभी से मत ढूंढने लगना कि फिजिक्स का सेट ई, सेट सी, सेट ई, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ओके, तो वो आपको जल्दी से कंप्लीट करवाए जाएंगे और आप लोग जल्दी से तैयारी भी स्टार्ट करना है, क्योंकि अब ये मैं सोचना कि भी तो बहुत दिन है, वो दिन पता भी नहीं चलते कब निकल गए, ओके। तो बस तैयारी करते रहो, रोज का एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करते रहो, बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे वो रियली पेपर रहेंगे, मतलब जो पाँचों सेट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसी को हम देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास जो सेट आते हैं वो रियली रहते हैं, लेकिन उन्हें अपलोड करना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। हमारे यूट्यूबर्स के पास, हम लोगों के पास सेट आ जाएंगे, लेकिन उन्हें अपलोड करना बहुत मुश्किल रहता है, ना टेलीग्राम पर कर सकते ना उस पर कर सकते, क्या बोलते कि यूट्यूब पर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन चलो ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन कैसा कि कॉपी में लिख के दे दिए जाएंगे, मतलब आपका कोई भी सेट फंसता है तो आप लोग ईजिली कर लोगे, है ना। तो देखो एक एडवाइस और देनी थी आपकी, अगर एफ सेट भी आए ना तो ए बी सी डी ई एफ, तो आप लोग उन सब के MCQ मैचिंग वन वर्ड तो कर ही सकते हो, एक शब्द वाले, तो वो कर लेना, तो आपके करीब मतलब 32 नंबर 28 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो जाते हैं, है ना, तो बस वही चीज़ करना, ओके। तो अभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो तैयार रहना, और इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कराना है, कुछ भी करके टास्क है, ओके।